हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करते हैं मानवाधिकार अधिनियम 1993 की। और ये भी एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं, शुरू करते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसके प्रमुख तथ्य देखते हैं। ब्रिटेन का प्रकाशित महान घोषणा पत्र 1215 मानवाधिकारों का जन्मदाता कहलाता है। दूसरा पॉइंट अपना प्रमुख है द 12th आर्टिकल ऑफ द ब्लैक फॉरेस्ट 1925 यूरोपीय मानवाधिकारों का जन्मदाता कहलाता है। ठीक, मानवाधिकारों के लिए प्रथम वैश्विक स्तर की मीटिंग या सम्मेलन बोल सकते हैं, दास्ता के विरोध वैश्विक सम्मेलन था, जो 25 सितंबर 1926 में हुआ था। यहाँ आपको बता दें कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र सभा ने मानवाधिकारों को सार्वभौमिक और संहिताबद्ध किया था, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसे 10 दिसंबर 1950 में से मनाया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने वो किया था लागू। संहिताबद्ध इसमें उद्देश्य का है, इसमें 30 अनुच्छेद हैं। अब आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना है, फरवरी 1946 में बना। इसके प्रथम अध्यक्ष थे फैकलिन डी रोजवेल्ड, 1947 में बनी। एक जो संस्था और होती है ह्यूमन राइट वॉच, ये 1978 में न्यूयॉर्क में बनी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो इसमें 8 अध्याय और धाराएं अपनी 43। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट अध्याय प्रारंभिक, इसमें धारा है फर्स्ट। फर्स्ट धारा में संक्षिप्त नाम विस्तार और लागू, तो इसका संक्षिप्त नाम है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये संपूर्ण भारत में लागू होता है, जम्मू कश्मीर की राज्य सूची में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब पूरी तरह से ये भी नहीं बोला जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से लागू होता है। और ये लागू हुआ अपना 28 सितंबर 1993, एक अध्यादेश के रूप में ये लागू हुआ था। अध्यादेश आपको बता दें यहाँ कि राष्ट्रपति या राज्यपाल, राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और राज्यपाल 213 के तहत। ठीक है, और ये इसको राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया था 8 जनवरी 1894 से। यह 1994 की यदि नियम संख्या 10 है। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 में आए और ये 23 नवंबर 2006 से लागू हुआ। दूसरी धारा देखते हैं हम परिभाषाएं। का है इसमें दूसरे का, इसमें सशक्त बल, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, संघ सरकार से संबंधित अन्य सशक्त बल। आपको यहाँ बता दें हम दोस्तों, पिछली बार एमपीपीएससी में सशक्त बल की परिभाषा मतलब पूछे गए थे कि कौन कौन से हैं, तो इसमें नौसेना शामिल है, थल सेना शामिल है, वायुसेना और संघ सरकार से संबंधित अन्य सशक्त बल। इसमें राज्य सरकार की पुलिस शामिल नहीं है। फिर अपनी दूसरा है खा, इसमें अध्यक्ष की परिभाषा दी गई। तीसरा गा है अपना आयोग की परिभाषा, और घा जो है इसमें मानवाधिकार की परिभाषा दी गई। मानवाधिकार की परिभाषा यहाँ बता दें हम बहुत ही साधारण शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति को जो इंसान होने के नाते जो अधिकार मिलते हैं लगभग वही मानवाधिकार कहलाते हैं, जो व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा के लिए आवश्यक होते हैं। और इसमें डाम है दूसरे के, डाम है मानवाधिकार न्यायालय, दूसरे के चा में है अंतरराष्ट्रीय संविदा, जो
16 दिसंबर 1996 में यूएन द्वारा अंगीकृत किया गया है। दूसरे के छा में सदस्य की परिभाषा, दूसरा के जा में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो 1952 में बना, दूसरे के झा में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो अनुच्छेद 338 के तहत बना, दूसरे के छा झा का में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 का के तहत बना। वहाँ ना इसमें है राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में बना। वो दूसरे के टा में अधिसूचना, दूसरे के ठा में विहित नियम, और दूसरा के ड में है लोक सेवा आईपीसी धारा 21 के तहत जो परिभाषा है वही, और दूसरे के ड में है राज्य आयोग। ये परिभाषाएं हो गई धारा दूसरे में जो दी गई है। वो आपको यहाँ एक कथन बता दें जो फाल्की वाला ने बोला था, सुसंत महिला तथा पुरुष के हृदय में वास करती है। सुसंतता जो है वो महिला तथा पुरुषों के हृदय में वास करती है, ये कथन था फाल्की वाला का। चलिए अब आगे देखते हैं। अध्याय दूसरा, दूसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसकी धारा फर्स्ट देखते हैं, तीसरी धारा। तीसरी धारा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। तो आपको बता दें हम दोस्तों, इसका गठन केंद्र सरकार करती है राष्ट्रीय आयोग का। आपको पता है कि यहाँ 12 अक्टूबर 1993 में इसका गठन हुआ। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इसके प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं HL दत्तू। इसमें कुल 9 सदस्य होते हैं जो 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित, और 4 पदेन सदस्य होते हैं। इन्हें 2006 में संशोधन करके धारा 3 में संशोधन करके सम्मिलित किया गया था। वो आपको बता दें यहाँ इसके 5 पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन होते हैं। अध्यक्ष होता है SC का भूतपूर्व न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट का भूतपूर्व न्यायाधीश, और सदस्य में होते हैं इसके में सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश, और इसका एक सदस्य होता है हाई कोर्ट का वर्तमान या भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति, और इसमें 2 सदस्य होते हैं मानव अधिकार क्षेत्र के विशेषज्ञ, और जो 4 पदेन सदस्य होते हैं इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसमें एक महासचिव होता है, आयोग का मुख्य कार्यपालक बोला जाता है जिसे CEO। यह अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त शक्तियां और कर्तव्यों का निर्वहन करता है। चलिए अब धारा 4 की बात कर लेते हैं। धारा 4 में दिया गया अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति। तो आपको बता दें इसमें राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, और यह राष्ट्रपति 6 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पे करता है। इस समिति में 6 सदस्य कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। इसमें अध्यक्ष होता है इसका प्रधानमंत्री इस समिति का, और सदस्य होते हैं इसके लोकसभा का अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, और राज्यसभा का उपसभापति। तो MPPSC में कभी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन होते हैं सदस्य इसके, या पूछ लेंगे कि ये सदस्य होता है या नहीं होता है, पूछा भी गया दोस्तों, तो इसे याद रख लें। इसके सदस्य होते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, और राज्यसभा का उपसभापति, सभापति नहीं उपसभापति। ठीक है, आपको यहाँ बता दें कि अगर नियुक्ति में आयोग के किसी सदस्य के पद के खाली होने पर कोई असर नहीं होगा, इनकी अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति में, समझ रहे,
अगर इनमें से कोई सदस्य नहीं होता 6 सदस्यीय समिति में, तो इसकी नियुक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा अध्यक्ष और सदस्यों की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धारा 5 आ गई अपनी, इसमें दिया गया अध्यक्ष और सदस्यों का त्याग पत्र। त्याग पत्र और हटाया जाना, ठीक है। तो त्याग पत्र मतलब वे खुद दे सकते हैं अपना, अध्यक्ष और सदस्यों का त्याग पत्र। तो त्याग पत्र दे सकते हैं जी राष्ट्रपति को, और हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसे हटाया जाता है कदाचार असमर्थता आधार पर, के आधार पर। वो इसकी जांच होती है जो सुप्रीम कोर्ट करता है, उसी के बाद हटाया जाता है दोस्तों। और राष्ट्रपति इसे इस आधार पर भी हटाया जा सकता है कि इस सदस्य दिवालिया या अध्यक्ष दिवालिया हो जाए, किसी दूसरे वेतनिक रोजगार में लिप्त हो, या शारीरिक या मानसिक अयोग्यता हो, विकृतचित्त पागल हो, नैतिक पतन हो गया हो, अपराध के लिए सजा हो, तो राष्ट्रपति इस आधार पर भी हटा सकता है। चलिए अब धारा 6 की बात कर लेते हैं। धारा 6 में अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि, मतलब कितने कब तक रहेंगे, तो इसमें बता दें हम कि ये 5 वर्ष तक रहते हैं और 17 वर्ष तक की आयु। ठीक है, और ये जब सेवानिवृत्त मतलब हो जाते हैं, तो ये राज्य सरकार ना केंद्र सरकार किसी पद पर आसीन नहीं हो सकते हैं। आपको यहाँ बता दें अध्यक्ष पुनरावृत्ति मतलब दोबारा नहीं चुन सकते हैं, वो सदस्यों को इन सदस्यों को पुनः नियुक्त किया जा सकता है। अब धारा 7 की बात कर लेते हैं। कुछ परिस्थितियों में सदस्य द्वारा अध्यक्ष पद का निर्वहन, मतलब अगर सदस्य नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, तो इन्हीं सदस्यों में से किसी को राष्ट्रपति की अधिसूचना पर अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अध्यक्ष की मृत्यु हो गई हो, या त्याग पत्र दे दिया हो, या अवकाश पर हो, तो इस परिस्थिति में सदस्य अध्यक्ष का काम कर सकते हैं। चलिए हम 8 की बात, धारा 8 की बात कर लेते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें, इसमें वेतन सेवा शर्तें केंद्र सरकार निर्धारित करती है, और नियुक्ति के बाद सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद इनके इसमें इस वेतन में और सेवा में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। धारा 9, रिक्तियों के बावजूद भी आयोग की निर्धारित कार्यवाही विधिमान होगी। इसका अर्थ है यहाँ कि अगर कोई इसमें रिक्ति है, कोई सदस्य नहीं है, कोई सदस्य नहीं है, तो इसकी आयोग की कार्यवाही विधिमान मतलब मान्य होगी, कोई असर नहीं पड़ेगा सदस्य का ना होने से। चलिए अब धारा 10 की बात करते हैं। तो क्रिया का स्थल एवं आयोजन कार्यक्रम, मतलब कहीं भी आयोजन करना है स्थल पर या उस पर, तो इसका निर्धारण अध्यक्ष निर्धारित करता है। ठीक है, धारा 11 की बात कर लेते हैं। आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारी, मतलब इसमें और अधिकारी और कर्मचारी कौन हो सकते हैं, महासचिव, ये सचिव स्तर का भारत सरकार का रहता है, एक पुलिस अधिकारी जो पुलिस महानिदेशक रहता है DGP रेंज का, और अन्य प्रशासनिक तकनीकी एवं वैज्ञानिक स्टाफ जो आवश्यक हो। ठीक है, चलिए अध्याय अब 3 आ गया, इसमें आयोग के कार्य और शक्तियां दी गई। चलिए तो धारा 12 की बात कर लेते हैं। धारा 12 में दिए आयोग के निम्नलिखित कार्य करेगा आयोग,
ये मानव अधिकार का उल्लंघन या दुष्प्रेषण प्रेरण की जांच करेगा, और ये मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में हस्तक्षेप भी कर सकता है न्यायालय की अनुमति से। जेल में सुधार मतलब संरक्षण गृह में जो व्यक्ति हैं उनके मानव अधिकारों के बारे में ये जांच पड़ताल कर सकता है। मानव अधिकारों में बाधा डालने वाले कारकों का निरीक्षण कर सकता है, संधियां एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर सकता है, अनुसंधानों को बढ़ावा दे सकता है जिससे मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो, साक्षरता बढ़ाने का प्रयास करेगा, एनजीओ एवं संस्थाओं को प्रोत्साहन करेगा जो मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने में सहायक हो। चलिए अब धारा 13 की बात कर लेते हैं। जांच के संबंध में शक्तियां आयोग की, जांच के संबंध में शक्तियां होंगी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट की शक्ति होगी, समझ रहे हैं, सिविल कोर्ट की शक्ति होगी। यहाँ सिविल कोर्ट की शक्ति होगी, जो सिविल कोर्ट को शक्ति है वही इसे भी शक्ति मिलेगी, जैसे गवाहों को बुलाना, उनसे पूछताछ करना, दस्तावेजों को खोजने या प्रस्तुत करना, संबंधित भवन में जांच करने या प्रवेश करने की शक्ति। प्रत्येक कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई के रूप में होगी और यह आईपीसी धारा 176-170 के अंतर्गत बाध्यकारी होगी। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं दोहरा धारा 14। धारा 14 की बात करते हैं। धारा 14 में अन्वेषण या जांच, जिसे हम जांच बोलते हैं, ठीक है, आयोग किसी मानव अधिकारों से संबंधित किसी उसके मामले की जांच कर सकता है, बस भारत सरकार की पूर्व अनुमति से। ठीक, अब धारा 15 की बात कर लेते हैं। इसमें आयोग के समक्ष व्यक्ति द्वारा दी गई गवाही, तो इसमें आयोग के समक्ष जो व्यक्ति गवाही देता है सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी उस पर, गवाही देने वाले पर। अगर झूठी गवाही दी जाती है तो इस पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। चलिए अब धारा 16 की बात कर लेते हैं। प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना पर व्यक्तियों की सुनवाई, जैसे कि जो मतलब इसमें सुनवाई इस अधिकार के तहत, इस अधिनियम के तहत किसी आदमी पर अगर सुनवाई होती है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होती है, मतलब उसकी समाज में जो उसका रहना है अगर वो धूमिल होता है तो उसे उस व्यक्ति को बचाव का अवसर दिया जाएगा होगा, और सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल में इस अधिनियम में अपराधी को ये अवसर नहीं दिया जाएगा। अध्याय 7-4 की बात करते हैं। प्रक्रिया, इसमें दिया गया प्रक्रिया, धारा 17 है जो ये शिकायतों की जांच, आयोग भारत सरकार या राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण से सूचनाएं मांग सकता है। शिकायत, कोई अगर मानव अधिकारों के उल्लंघन में कोई शिकायत करता है कोई व्यक्ति, तो आयोग उस शिकायत पर भारत सरकार या अन्य प्राधिकरण से सूचनाएं मांग सकता है। आगे बात करते हैं धारा 18, जांच के दौरान या उसके पश्चात के कदम। मानव अधिकार जांच के दौरान या उसके पश्चात मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है कहीं, तो आयोग सिफारिश कर सकता है केंद्र और राज्य से किस तरह का कोई उल्लंघन मामला ना आए। अब चलिए धारा 19 की बात करते हैं। सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया, अगर सशस्त्र बल कहीं मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो आयोग केंद्र से रिपोर्ट मांग सकता है और 30 दिन के अंदर केंद्र को रिपोर्ट देनी होगी, लेकिन आयोग इस पर कार्रवाई, सशस्त्र बलों पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। ठीक
धारा 20 की बात करते हैं। आयोग का वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन, ये केंद्र राज्य सरकार प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत करती है। मतलब आयोग ने जो कार्य किया है उसका प्रत्येक वर्ष केंद्र राज्य सरकारें संसद में प्रस्तुत करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा अध्याय 5 आ गया, ठीक है। इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग, तो राज्य मानवाधिकार मतलब मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश का अपना राज्य मानवाधिकार आयोग होगा, हर स्टेट का अपना अपना आयोग होगा। तो इसमें देख लेते हैं इसका गठन हुआ मध्य प्रदेश का बता दें, यहाँ तो एमपी में है, भोपाल में है इसका मुख्यालय, और 1 सितंबर 1995 में ये स्थापित हुआ। यहाँ हम धारा बता दें 21 की, ठीक है। धारा 21 में दिया गया राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, ठीक है। तो इसका गठन राज्य सरकार करती है, इसमें 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, मतलब भूतपूर्व सदस्य इसमें रहेगा, हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या हो, या अथवा जिला न्यायाधीश रहा हो या हो, जो न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव हो। सदस्य के बारे में बता दें तो मानव अधिकारों का ज्ञानी हो, मतलब विशेषज्ञ हो। इसमें 3 सदस्य होते हैं राज्य मानव अधिकार। इसमें एक सचिव होता है, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी होता है, और जो राज्य मानव अधिकार आयोग है जिस 7वीं अनुसूची में वर्णित सूची 2 और 3 के संबंध में जांच करता है, ठीक। अगर इससे संबंधित कोई उल्लंघन, मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो जांच करेगा राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है। 22, धारा 22 की बात करते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, तो राज्यपाल करेगा एक समिति के सिफारिश पे, मतलब तो इसमें सलाह, तो इसमें समिति में अध्यक्ष रहता है मुख्यमंत्री, और इसमें सदस्य रहते हैं विधानसभा का सदस्य, राज्यसभा का गृह मंत्री, राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा का विपक्ष का नेता। और दोस्तों यहाँ बता दें कि जिस स्टेट में, जिस राज्य में विधान परिषद है वहाँ का सभापति भी शामिल रहेगा और विपक्ष का नेता भी शामिल रहेगा। चलिए अब हम धारा 23 की बात करते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों का हटाया जाना या त्याग पत्र देना, तो हटाए जाते हैं जो राष्ट्रपति हटाता है ना, वो प्रक्रिया रहती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरह, और त्यागपत्र जो राज्यपाल को दे सकते हैं, ठीक। धारा 24 की बात करते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, तो ये भी वही रहता है राष्ट्रीय मानव आयोग की तरह, तो उसे देख लें, टाइम भी कर नहीं कर रहे दोस्तों। धारा 25 में कुछ परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, तो नियुक्ति राज्यपाल करेगा, उसकी सिफारिश रहे, और ये भी राष्ट्रीय मानव आयोग की तरह रहेगा। धारा 26 की बात करते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा तय किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारा अन्य धारा 27 है, अन्य अधिकारी। धारा 27 में अन्य अधिकारी, तो इसमें एक सचिव रहेगा सचिव रैंक का राज्य सरकार का, पुलिस अधिकारी रहेगा पुलिस महानिरीक्षक आईजी रेंज का। धारा 28 में बात कर लेते हैं हम आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, तो इसमें राज्य सरकार विधानमंडल में प्रस्तुत करेगी। धारा 29 की बात करते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कुछ उपबंधों का राज्य आयोग पर लागू होना, तो यहाँ बता दें आपको कि राष्ट्रीय मानव आयोग के कुछ उपबंध ऐसे भी हैं जो राज्य आयोग पर भी लागू होते हैं। इसमें धाराएं 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 16, 17, 18 के उपबंध राज्य आयोग पर भी लागू होते हैं। चलिए धारा हम 6 की बात करते हैं, मानव अधिकार न्यायालय, ठीक है। अध्याय 6 में दिया गया मानव अधिकार न्यायालय, तो धारा 30 है इसमें, मानव अधिकार न्यायालय
ये सिख विचारण हेतु बनाए जाते हैं और राज्य सरकार बनाती है ना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। एक सत्र न्यायालय रहता है, सिविल न्यायालय के रूम में ना वो मिलता है शक्तियाँ। अब हम धारा 31 की बात करते हैं, इसमें विशिष्ट लोक अभियोजक राज्य सरकार नियोजक राज्य सरकार नियुक्त करती है। यह हमारा विशिष्ट लोक अभियोजक से मतलब है कोई मतलब इस तरह का लोक अधिकारी या कोई अधिकारी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। और इसमें अभियोजक को कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए इस क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अब है अध्याय 7। अध्याय 7 में दिया गया वित्त लेखा एवं लेखा परीक्षण। ठीक है, तो धारा 32 है जो हमारी, वो है केंद्र सरकार द्वारा अनुदान। केंद्र सरकार राष्ट्रीय आयोग को अनुदान देता है आयोग के कार्यों के लिए, मतलब जो भी वो कार्य करती है मानव अधिकारों से संबंधित उसके कार्य के लिए केंद्र सरकार वो अनुदान देता है। धारा 33 में देखते हैं राज्य सरकार का अनुदान। राज्य सरकार अपने राज्य आयोग मानवाधिकार आयोग के लिए अनुदान देता है जिससे वो अपना काम कर सके या कार्य करे। चलिए धारा 34 की बात कर लेते हैं। धारा 34 में लेखे का राष्ट्रीय मानवाधिकारों के लेखे एवं परीक्षण। तो इसमें बता दें कि जो लेखा एवं लेखा परीक्षण है, ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निरीक्षण परीक्षण करता है सीएजी के नियंत्रण में, भारत के सीएजी के नियंत्रण में। और ये रिपोर्ट संसद के दोनों पटलों पर सदनों में केंद्र सरकार रखती है। धारा 35 में राज्य आयोग का लेखा एवं परीक्षक, ये स्टेट मतलब राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग करता है सीएजी के नियंत्रण में, और इसे राज्य सरकार विधान मंडल में प्रस्तुत करती है। ठीक, अध्याय 8 की बात करते हैं, इसमें विविध दिया गया। धारा 36 में वे मामले जो आयोग की अधिकारिता में नहीं आते हैं, तो इसमें मतलब आयोग के अंदर नहीं आते, आयोग इस पर कुछ नहीं कर सकता है। ठीक, तो राज्य आयोग या अन्य आयोग में लंबित पड़े मामले, इन राज्य आयोग में या किसी अन्य आयोग में पड़े कोई मामला, उस पर राष्ट्रीय मानव आयोग हस्तक्षेप नहीं कर सकता। या ऐसा मामला जिसके उल्लंघन में कि 1 वर्ष बीत चुका हो, ऐसा कोई मानव अधिकारों से संबंधित उल्लंघन जिसको 1 वर्ष बीत चुका हो उसके बाद सूचना मिली हो, इस पर भी आयोग कुछ भी नहीं कर सकता। धारा 37 की बात करते हैं, विशेष अन्वेषण दल का गठन। दल का मतलब जांच समिति, ये राज्य सरकार गठित करेगी आयोग की सलाह पर। चलिए धारा 38 की बात करते हैं, इसमें सद्भावना भाव में की गई कार्यवाही में संरक्षण। सद्भावना या लोक कल्याण के लिए कार्यवाही की जाती है तो इन्हें संरक्षण प्राप्त है, इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। जैसे भारत सरकार पर नहीं की जाएगी, राज्य सरकार पर नहीं की जाएगी, राष्ट्रीय मानव आयोग पर नहीं की जाएगी और राज्य मानव आयोग पर नहीं की जाएगी, या इससे संबंधित कोई कर्मचारी है तो उस पर भी कार्यवाही नहीं की जाएगी, उन्हें संरक्षण प्राप्त है। धारा 39 में बात करते हैं, सदस्य एवं अधिकारियों का लोक सेवक होना। तो आईपीसी की धारा 21 में जो प्रावधान है उसी के तहत सदस्य एवं अधिकारी लोक सेवक होते हैं। धारा 40 की बात करते हैं, भारत सरकार नियम बनाने की शक्ति। नियम इस आयोग में, राष्ट्रीय मानव आयोग में, मानव अधिकार आयोग में नियम इस अधिनियम के तहत भारत सरकार बना सकती है अधिसूचना जारी कर, और इसे 30 दिन के अंदर इस नियम को संसद के पटलों पर रखना होगा। ठीक, चलिए अब धारा 40 की बात कर लेते हैं। 40 का इसमें भूत लच्छी नियम बनाने की शक्ति। जैसे कोई अपराध हुआ है जो 1993 से पहले हुआ है तो उस पर भूत लच्छी मतलब पूर्व के नियम लागू होंगे। ठीक है, धारा 40 की बात, 40 खा की बात करते हैं।
इसमें आयोग नियम बनाने की शक्ति, खा में 40 खा में दिया गया आयोग नियम बना सकती है केंद्र सरकार की अनुमति से, और इस नियम को संसद के पटल पर 30 दिन के अंदर रखना होगा। धारा 41 में देखते हैं राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, ठीक, राज्य सरकार नियम बनाएगी राज्य आयोग के लिए, वो इसे विधानमंडल में की पटल पर 30 दिन के अंदर रखना होगा। धारा 42 में कठिनाइयों को समाप्त करने की शक्ति, जैसे इस तरह के अधिकार मतलब आयोग नहीं वो कर पाया, ये पूरी तरह से कहीं नहीं लागू हो रहा है मानवाधिकार, उनका उल्लंघन किया जाता है, तो भारत सरकार प्रयास कर सकती है इसे समाप्त करने के लिए, और 2 वर्षों की अवधि के बाद लागू नहीं होगा ये नियम। धारा 43 से जो निरसन, ये पूर्ववर्ती कार्रवाई या अवैध नहीं होंगी, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ हमने खत्म कर दिया अपना मानवाधिकार से संबंधित लेक्चर, देख लीजिए इसे अच्छे से, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए जिससे किसी और की मदद हो सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज खत्म करते हैं।